नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर दैनिक पूजा में भी, पूजा अनुष्ठान में भी अंत में हम आरती अवश्य करते हैं और आरती करने से पूजा का, अनुष्ठान का समापन माना जाता है। आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आरती का महत्व क्या है, आरती करने का सही तरीका क्या है और आरती करने से किस तरह के लाभ जीवन में प्राप्त होते हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:20 तक। नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध, सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में और चंद्रमा फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आरती की। आरती का महत्व क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, आरती के महत्व की चर्चा सबसे पहले स्कंद पुराण में की गई है। आरती हिंदू धर्म की पूजा परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। किसी भी पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान के अंत में देवी देवताओं की आरती की जाती है। आरती में क्या होता है, आरती की प्रक्रिया में एक थाल में ज्योति रखते हैं, या तो दीपक रखते हैं या कपूर जलाते हैं और कुछ विशेष वस्तुएं रख करके भगवान के सामने इस ज्योति को, इस अग्नि को घुमाते हैं। थाल में अलग अलग वस्तुओं को रखने का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व होता है जो आरती के साथ स्तुति गाई जाती है उसका। तो आरती करते रहिए और साथ में जो स्तुति गाई जाएगी वो जितनी श्रद्धा से आप बोलेंगे, जितनी श्रद्धा से आप गाएंगे,
उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगी। यानी आप अग्नि घुमा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन साथ में जो आरती बोली जाती है, जो आरती गाई जाती है, अगर उसको प्रेम से और श्रद्धा भाव से आप बोलेंगे, प्रेम और श्रद्धा भाव से आप गाएंगे, तो आरती के परिणाम और प्रभाव बहुत बेहतर होंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की चिंता आपको हो सकती है, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में करियर में नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि आरती करने के नियम क्या हैं, किस तरीके से आरती की जाती है। देखिए, बिना पूजा उपासना के, बिना मंत्र जप के, बिना प्रार्थना के या बिना भजन के आप सीधे पूजा में आरती नहीं कर सकते। केवल आरती नहीं की जाती, हमेशा किसी पूजा या प्रार्थना की समाप्ति होने पर ही आरती करना अच्छा होता है। आरती की थाल में कपूर या घी का दीपक, दोनों की ज्योति प्रज्वलित की जा सकती है और इन दोनों में से किसी एक चीज से आप आरती कर सकते हैं। अगर आप दीपक से आरती करते हैं तो पंचमुखी दीपक से आरती करना बेहतर होता है। और आरती की थाल में पूजा के फूल और कुमकुम यानी रोली जरूर रखिए। आरती की थाल को देवी देवता के सामने इस प्रकार शुरुआत में घुमाइए कि ओम की आकृति बन जाए। इसके बाद आरती को भगवान के चरणों में चार बार, उनके नाभि में दो बार, उनके चेहरे पर, उनके मुख पर एक बार और संपूर्ण शरीर पर सात बार घुमाना चाहिए। आरती के उपरांत जो आरती की थाल में फूल रखे हुए हैं,
वो भक्तों को देने चाहिए और कुमकुम का तिलक उनका कर देना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नियमित रूप से आरती करें तो आरती आपकी बहुत अच्छी होगी और जो प्रार्थना आप कर रहे हैं वो प्रार्थना आपकी सफल होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ और मंगल कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, करियर में आपके उन्नति होगी, किसी अतिथि का इस समय आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर में आपके सुधार होगा, संपत्ति की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपने देवी देवता की आरती कर ली, उनसे प्रार्थना कर ली, उनकी स्तुति कर ली, अब किस तरीके से आरती से ऊर्जा ग्रहण करेंगे ये जान लेते हैं। देखिए, जब आप आरती से ऊर्जा लेते हैं तो अपना सर ढका रखिए, दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर, प्रकाश के ऊपर घुमाइए और घुमा के सर के मध्य भाग पर, सर के बीचों बीच में लगाइए। भगवान को याद करिए, उनका स्मरण करिए और आरती से जब आप प्रकाश ले रहे हैं, ज्योति ले रहे हैं, तो कम से कम 5 मिनट तक जल का स्पर्श मत करिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आरती लेते जाते हैं और आरती की थाल में दक्षिणा या पैसे डालते जाते हैं। देखिए, दक्षिणा दान पात्र में डालिए, वो ज्योति ईश्वर का प्रतीक है, उसके बगल में पैसा रखना उचित नहीं होगा। दक्षिणा दान पात्र में डालिए, आरती की थाल में दक्षिणा मत डालिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, इस समय आपका कीमती सामान खो सकता है,
सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, संपत्ति के कार्यों में आपको लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम का दबाव रहेगा, धन का लाभ होता रहेगा, किसी बड़े बुजुर्ग की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूजा के शुरू में, बीच में, अंत में कई आरतियां करते हैं। जैसे ही आपने आरती की, आपकी पूजा का समापन हो गया, फिर आप पूजा आगे बढ़ाते हैं, फिर एक आरती कर देते हैं। या बहुत सारे लोग 5-7 तरह की आरती करते हैं, ये भी उचित नहीं है। आप जो मंत्र जप करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, जो पूजा करते हैं, वो आप करिए। और पूजा के अंत में सिर्फ एक बार कोई एक आरती करिएगा। वैसे सामान्यतः जो भगवान विष्णु की आरती है, ओम जय जगदीश हरे, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रभावशाली आरती है। पूजा के अंत में नियमित रूप से केवल मात्र इसी आरती को करने से आपका कल्याण होगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में, आर्थिक स्थिति में लगातार कठिनाई बनी हुई है, हमेशा कठिनाई रहती है, तो रोज सवेरे सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिएगा, सूरज उगने के पहले, और प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 27 सितंबर शुक्रवार को प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।